मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लालची लकड़हारे की कहानी। सोहनपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास ही जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीज के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे ना मिले तो रूठ जाती। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रामलाल ने ठान लिया कि वह अब ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसे की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज रामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियाँ चुनकर बाजार में बेच दी। ज्यादा लकड़ियाँ के ज्यादा पैसे मिले तो बहुत खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज रामलाल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियाँ हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियाँ बेचकर मिलने वाले पैसे से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे रामलाल ने पैसे के जुआ में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी, रामलाल एक मोटी रकम इससे हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए रामलाल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। जैसे ही रामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उसके ऊपर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। रामलाल चौंक गया, फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। रामलाल कुछ समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। पेड़ ने कहा, आज तू रुक, यही कुल्हाड़ी मैं अब तेरे ऊपर चलाऊंगी। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से रामलाल पर वार करने ही वाली थी, वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा, वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, यह प्रण लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर दया आ गई। उसने रामलाल को छोड़ दिया। छूटते ही रामलाल भागकर अपने घर गया और पैसे के लालच में न आने का संकल्प ले लिया। लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है, इन्हें काटकर हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कहानी पढ़ने और सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।